देखिए, एक सलाह ऐसी है जो आपको बचपन से रोज मिलती होगी और वो क्या है, किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो। और आप ये जानते भी हैं कि हर कामयाब इंसान कहीं ना कहीं बुक रीडर जरूर होता है, कहीं ना कहीं वो किताबें जरूर पढ़ता है। लेकिन प्रॉब्लम इस जानकारी को होने या नहीं होने में नहीं है। ये बात जानते सब हैं कि किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जानने के बावजूद भी किताबें पढ़ नहीं पाते हैं। और हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग भी हों जो किताबें पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आपको फिर इस बात की चिंता सताती है कि वो जो पढ़ा है उसे याद कैसे रखें, उसे फील्ड में अमल कैसे करें। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि आप किताबें पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं तो फिर उसे याद नहीं रख पाते हैं, और अगर याद भी रख लेते हैं तो फिर उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपने काम में, तो फिर अगले 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं 10 कमाल के आइडियाज जिससे आप ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, ज़्यादा रिटेन करेंगे और ज़्यादा यूज़ करेंगे, अमल में लेके आएंगे। जो सारी बातें हैं ये मैंने किसी किताब से नहीं सीखी हैं, ये मैंने मेरे पर्सनल तजुर्बे से सीखी हैं। पिछले करीब 3 दशकों से मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, सैकड़ों किताबें पढ़ चुका हूँ, और मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में 1500 से ज़्यादा किताबें मेरे घर पर हैं। और ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जिस हफ्ते मैं एक किताब ना कंप्लीट करूं। और पिछले कई सालों से एवरी मंथ आई एम डूइंग 3 to 5 बुक्स, सो एवरी वीक ऑलमोस्ट 1 बुक आई एम एबल टू फिनिश। और वो कैसे हो पाता है वो मैं आपको इस वीडियो में अगले 10 से 15 मिनटों में बताने वाला हूँ। और देखिए, 3 तरह से आप किताबें पढ़ सकते हैं। फिजिकल कॉपी, जो हम अक्सर देखते हैं, दूसरा है डिजिटल कॉपी, किंडल के माध्यम से आप किताबें पढ़ सकते हैं, और तीसरा होता है ऑडियो बुक। आप तीनों में से जिस भी फॉर्म में चाहें किताबें पढ़ लें। अब जो ये 10 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ ये तीनों फॉर्मेट्स में आपके काम आने वाले हैं। और जो भी बातें मैं बताऊँगा वो फिक्शन के लिए नहीं, नॉन फिक्शन किताबों के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए जो किताबें होती हैं उनके लिए हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए हमारे पास कुछ गिफ्ट भी है। आप इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें, मैं बताऊंगा आप कैसे उस गिफ्ट को जीत सकते हैं। लेकिन 5 लकी विनर्स जो आज के इस वीडियो को देखेंगे और मेरे 2 सवालों के जवाब देंगे, उन्हें हम उनकी मनपसंद 5 किताबें भेजने वाले हैं। तो आइए जानते हैं 10 आइडियाज जिससे आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा रिटेन करेंगे, ज़्यादा अप्लाई करेंगे। पहला आइडिया, उस वातावरण में पढ़ने का प्रयास करिए जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम हैं। देखिए, अगर आप एक क्वाइट माइंड से और एक कंफर्टेबल जगह पे पढ़ते हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, कोई आपको परेशान और डिस्टर्ब नहीं करेगा, मोबाइल फ़ोन्स आपने अगर स्विच ऑफ कर दिए हैं, वहाँ पे साउंड्स इधर उधर की बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हैं, देन यू विल बी एबल टू रीड मोर एंड देन यू विल बी एबल टू ग्रैस्प मोर ऑल्सो। आप चाहें तो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, राइट? आजकल मैं कहीं पे भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन फिर भी इतने सालों से लगातार पढ़ने के बाद भी अगर मुझे दोनों में से मौका मिले तो फिर एक क्वाइट सॉलिट्यूड वाली जगह पर जहाँ पर मैं अकेला हूँ और मैं अपनी मर्जी से शांति से किताब पढ़ पा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे पढ़ने में आनंद सबसे ज़्यादा आता है। वहाँ जो मैं पढ़ता हूँ उसके नोट्स मैं अच्छे से बना पाता हूँ। वैसे आप जहाँ चाहें वहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप मेट्रो में पढ़ सकते हैं, चलते हुए बस में पढ़ सकते हैं, फ्लाइट्स में पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में पढ़ सकते हैं जहाँ पे टीवी भी चल रहा है और आसपास में सब लोग भी हैं। लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप शांति से क्वाइट जगह पे, कंफर्टेबल प्लेस पे, बिना डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा ग्रैस्प कर पाएंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे और आप आनंद ले पाएंगे पढ़ने का। दूसरा, किताब को पढ़ना शुरू करने से पहले, उसमें डेप्थ में जाने से पहले आपको उस बुक को प्रीव्यू कर लेना चाहिए। और एक एवरेज किताब को प्रीव्यू करने में आपको लगते हैं मात्र 3 से 5 मिनट। आपने इंट्रोडक्शन देखा, हल्का सा टेबल ऑफ कंटेंट देखा, चैप्टर्स के नाम देखे, फ्रंट कवर देखा, बैक कवर देखा, और ये देख करना आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि इस किताब में आपको क्या मिलने वाला है। और एक बार जब आपको पता चल जाता है ना इसमें क्या क्या मिलेगा, तो फिर ये आपको बांध के रखता है, आपको टिकाए रखता है कि इस किताब के अंदर अगले चैप्टर, उससे अगले चैप्टर, उससे अगले चैप्टर तक आपको जाने के लिए। तीसरा, रीड व्हाट यू लव, रीड व्हाट यू लव। ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे, ऐसे कोई ऑथर्स होंगे, ऐसा कोई स्टाइल ऑफ राइटिंग होगा जो तुम्हारा पर्सनल फेवरेट होगा। अगर तुम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो और अगर तुम वो पढ़ते हो जो तुम्हें पसंद है, उस ऑथर को पढ़ते हो जो तुम्हें पसंद है, तो फिर तुम जल्दी पढ़ पाओगे, कंसंट्रेशन जबरदस्त रहेगी, फोकस बना रहेगा, डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम होंगी, समय का पता भी नहीं चलेगा, और आपके लिए वो किताब ना एक मेडिटेशन के जैसे, एक साधना के जैसे हो जाएगी। जरूरी नहीं है सारी किताबें वैसी की वैसी हों, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं किताबें पढ़ने की तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें अपनी इंटरेस्ट वाली कैटेगरी की आपको पढ़नी चाहिए।
टोटल 10 आइडियाज हैं मेरे पास, 3 बता चुका हूं, 7 और बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। प्लस आप लोगों के लिए खास फ्री गिफ्ट भी है, वो कैसे मिलेगा वो भी आपको जल्दी से बताता हूं। चौथी चीज जो आपको जरूर करनी चाहिए, उससे आप रिटेंशन को बढ़ा पाएंगे, दैट इज हाईलाइट और अंडरलाइन, हाईलाइट और अंडरलाइन। अगर देखो ये किताब तुम्हारी है, तुमने किसी से उधार नहीं ली है, और अगर ली भी है तो तुम्हारे पास परमिशन है, तो फिर हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट पैसेजेस को, सेंटेंसेस को, दैट इज अमेजिंग टू गिव यू बेस्ट रिटेंशन पॉसिबल, राइट। और जब आप किसी चीज को हाईलाइट करते हैं ना, तो फिर आपका माइंड भी धीरे धीरे समझने लगता है कि यार ये चीज जरूरी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका चेतन और अवचेतन मन उन चीजों को और गहराई से समझता है और उनको और डीपर याद रखता है। पांचवा बहुत जरूरी है, रीड एवरी सिंगल डे, रोज पढ़िए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप रोज पढ़ेंगे ना, तो फिर आप एक फ्लो में रहेंगे, एक मोमेंटम में रहेंगे। आपके माइंड को भी मालूम है कि ये किताब पढ़ने का समय है, अब किताब पढ़नी है, और वो किताब सामने आते ही आपका मूड, आपकी स्टेट, आपके इमोशंस बदलने लगते हैं। धीरे धीरे आप समय को बढ़ाते जाइए, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको आज से अभी से बरकरार रखनी चाहिए। ये मैंने पर्सनली देखा है, मान लीजिए मैं किसी ट्रिप पे हूँ और 6-7 दिन मैं किताब किसी कारण से नहीं पढ़ पाया, 8वें दिन जब शुरू से शुरू करते हैं ना यार, तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस फील होते हैं, समय लगता है डीप जाने में। मेडिटेशन में भी ऐसे होता है, योगा में भी ऐसे होता है, एक्सरसाइज में भी ऐसे होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, हो सकता है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार आपने आधा आधा घंटा पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद में 1-2 दिन ऐसे भी निकले जब आपने शायद 5 मिनट पढ़ा या 10 मिनट पढ़ा, लेकिन अगर ये 5-10 मिनट का गैप आपने नहीं आने दिया ना, तो फिर आपका फ्लो नहीं टूटेगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बेटर होगी, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की क्षमता आपकी बेटर होगी, और आप कमाल का पढ़ पाएंगे। छठा और ये बेमिसाल है, अगर आपने ये कर लिया ना, तो जो आपने किताब से सीखा ये आपका परमानेंट आपका हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए आपका। शेयर एंड डिस्कस, आपने जो पढ़ा उसके खास पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को, हाइलाइट्स को, समरी को किसी ना किसी के साथ शेयर कर दीजिए। बस परिवार में कोई है, टीम में कोई है, ऑफिस में कोई है, आपके कुलीग्स हैं, जहां पे भी पॉसिबल हो, अगर और कोई नहीं है ना यार, तो उसकी मेन लर्निंग्स के नोट्स बनाइए और उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। लेकिन जब आप शेयर करते हैं, जब आप किसी को अपनी कोई चीज बताते हैं, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसको बताने के हिसाब से पढ़ा है, और बताने के हिसाब से जब आप पढ़ेंगे, तो फिर आप गहराई से पढ़ेंगे और पढ़ा हुआ याद भी रखेंगे। ऑलराइट, अब 5 ऐसे विजेता हम चुनेंगे लकी ड्रॉ के माध्यम से, जिनको हम उनकी मनपसंद बुक भेजने वाले हैं। अगर आपको वो बुक चाहिए, तो फिर आपको करना क्या है, देखिए, नंबर 1, आप नीचे कमेंट में अपना नाम लिखिए, और आप मुझे ये बताइए आपने कितने लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है। जेन्युइनली, ईमानदारी से मुझे बताइए, मैं ये चाहूँगा कि कम से कम 3 लोगों के साथ आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, 4, 5, 10, 15, 20 वो चलेगा, 4, 5, 10, 15 ग्रुप्स में आप करें तो चलेगा। तो आपका नाम और आपने कितनी जगह पे, हो सकता है इंडिविजुअल हों, हो सकता है ग्रुप्स हों, कितनी जगह पे इसे शेयर किया है। दूसरा, आप महीने में कितनी किताबें पढ़ते हैं, ये नंबर मुझे दूसरे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। तो बहुत सिंपल है, पहला कमेंट में आप लिखेंगे आपका नाम और आपने कितने लोगों से इस बुक को शेयर किया, दूसरे में आपका नाम और आप कितनी किताबें महीने में पढ़ते हैं, बस। और लास्ट में आप एक और बात ज़रूर लिख देना, आपको कौन सी बुक फ्री चाहिए हमारी तरफ से, आप ये लिख दीजिए। 2 से 4 हफ्तों में हम विनर्स अनाउंस करेंगे एंड वी विल सेंड यू योर फेवरेट बुक। 10 टिप्स है मेरे पास आपको देने के लिए, 6 बता चुका हूँ, 4 जल्दी से बताता हूँ। और 7वां है, सोने से जस्ट पहले, अपने बेड पे जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, सोने से जस्ट पहले सीरियस किताबें मत पढ़िए। जब आप सोने के मूड में चले गए ना, अब आप थक गए, पूरा दिन आपने काम किया, और नाउ यू आर ट्राइंग टू वाइंड डाउन, उस समय में आप भारी भरकम किताबें, हैबिट फॉर्मेशन की, अपने स्किल्स की, फील्ड की, उस तरह की किताबें मत पढ़िए। अगर आपको समय पढ़ना है, तो आप स्टोरीज पढ़ सकते हैं, फिलॉसफी की किताबें पढ़ सकते हैं, या कुछ हल्की फुल्की किताबें पढ़ सकते हैं, छोटी मोटी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीरियस रीडिंग करनी है, तो फिर आप सुबह करें या उस टाइम पे करें जब आपकी एनर्जी लेवल, आपका अटेंशन स्पैन पीक लेवल पे है। तो 7वां पॉइंट याद रखिएगा, अवॉइड रीडिंग सीरियस मटीरियल बिफोर गोइंग टू बेड। 8वां पॉइंट बेहद खास है, अगर ये आज से कुछ साल पहले मुझे मालूम चल जाता, तो शायद मैं डबल ट्रिपल किताबें पढ़ सकता था। किताब को खत्म करने के लिए मत पढ़िए, पढ़ने के लिए पढ़िए, आनंद के लिए पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए। कुछ किताबें ऐसी होंगी जो स्टार्टिंग में जब आपने शुरू की होंगी, तो आपको लगा होगा यार कि ये किताब बहुत शानदार है, बहुत मजा आने वाला है,
लेकिन जब आप धीरे धीरे अंदर गए उस किताब में तो उतना मजा आपको पढ़ने में नहीं आया। तो अपने आप को फोर्स मत करिए। हम कोई स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर अपने आप का वो स्कोर बढ़ाने के लिए मैंने इतनी किताबें पढ़ डाली। इसके लिए किताब को मत पढ़िए। अच्छा नहीं लग रहा, किताब को बंद कर दीजिए, गो टू ए न्यू बुक, गो टू ए डिफरेंट वन। नोवा पॉइंट, ये बहुत कमाल का है, ये आपको कम समय में ज्यादा किताबें पढ़ने में मदद करेगा। स्किमिंग इज स्मार्ट वे टू रीड। स्किमिंग क्या होता है? कुछ कुछ पन्नों को जल्दी निकाल देना, थोड़ा सा देखना और आगे निकल जाना, थोड़ा सा देखना और आगे निकल जाना। अगर आप किताबें लगातार पढ़ते हैं या किसी सेम ऑथर की किताब बार बार पढ़ते हैं और आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिल गया जो आपको पता है क्या है, तो आप चाहें तो उसको सरका सकते हैं। वो एक पेज, एक पैरा, दो पेज ऐसे हो सकते हैं जो शायद आप पढ़ेंगे ना तो ये वही कंटेंट है जो रिपीट हो रहा है, पहले से आपको पता है। तो उस तरह के कंटेंट को आप स्किम कर दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एक पन्ना, एक एक पेज, एक एक सेंटेंस आपको बराबर उसी सेम इंटेंसिटी से पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आपको ये नया नया बुक रीडिंग का शौक लगा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे, अभी तो आप वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन 10, 20, 30, 40 किताबों के बाद आपकी भी यही सिचुएशन हो जाएगी कि आप किसी एक पैरा, अगर आप पेज को या चैप्टर को देख के आप समझ जाएंगे यार ये मुझे पहले से मालूम है, तो वहां पे आप स्किम कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। और दसवां और खास जरूरी पॉइंट, हाउ टू इंस्टॉल की पॉइंट्स इन योर माइंड। इसके लिए मैं आपको दो फॉर्मूला देता हूं। पहला फॉर्मूला है 4:1 रूल। अगर आप 40 मिनट पढ़ते हैं तो आपको 10 मिनट लगाने चाहिए रिवाइज करने में जो भी पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए थे। तो अगर आपने 50 मिनट का समय टोटल रखा है किताब को पढ़ने के लिए, तो 40 मिनट रीडिंग के हाईलाइट करने के, और फिर 10 मिनट में उस जो आपने हाईलाइट किया है उसको पढ़ने के लिए दोबारा से एक बार फिर से अपने जो नोट्स बनाए कोई तो उन नोट्स को रिवाइज करने के लिए बस। और जब आप किताब को पूरा ख़त्म कर लें, ये दूसरी चीज़ को भी गौर से समझिए, जब आप किताब को पूरा ख़त्म कर लें तो एक बार फिर से आपने जो जो हाईलाइट किया, जो अंडरलाइन किया, जो नोट्स बनाए उनके पास एक बार फिर से वापस चले जाइए। और अगर आप एक घंटा, आधा घंटा लगाएंगे तो वो सारे नोट्स, सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स आप दोबारा पढ़ सकते हैं। एंड देन इसकी संभावना कि ये किताब आपके पास में रहेगी, आपके काम आएगी, इस मटेरियल को आप बाद में यूज कर पाएंगे, कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, किताब पढ़ना डायरेक्टली आपको अमीर और कामयाब नहीं बना सकता। ऐसा नहीं कि आपने किताब पढ़ ली तो फिर आप अपने बिजनेस में टॉप पे चले गए या फिर आपके बैंक में पैसे आने लग गए, लेकिन किताबें आपका माइंडसेट डेवलप करती हैं, आपका हैबिट, स्किल सेट, राइट एटीट्यूड बनाने में आपकी मदद करती हैं। और ये सब हो जाए देन यू कैन बी रिच एंड सक्सेसफुल। तो इस वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको चाहिए अपनी मर्जी की किताब फ्री गिफ्ट में, तो कम से कम 3 लोगों के साथ या फिर 3 ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और नीचे कॉमेंट में आप मुझे लिखेंगे आपका नाम और उस नाम के साथ आपने कितने लोगों या ग्रुप्स में इस किताब को शेयर किया। दूसरा, आपका नाम और आप महीने में कितनी किताबें पढ़ते हैं। और साथ साथ तीसरे में आप ये ज़रूर लिख दीजिएगा हमें आपको कौन सी किताब हम फ्री गिफ्ट में भेजें। और जल्दी से आपको 10 पॉइंट्स मैं समराइज और रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा रिटेन करें और ज़्यादा अप्लाई करें। पहला, जब भी आप पढ़ें कोशिश करिए डिस्ट्रैक्शन फ्री क्वाइट एनवायरनमेंट में आप पढ़ें। दूसरा, किताब को पढ़ने से पहले उसको प्रीव्यू ज़रूर कर लें। तीसरा, उस तरह का मटेरियल ज़्यादा पढ़ें जो आपको पसंद है, रीड व्हाट यू लव। चौथा, हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, ये आपकी रिटेंशन को कई गुना बढ़ाता है, आपकी अटेंशन स्पैन को बनाए रखता है, फोकस कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखता है। पाँचवा, रोज़ पढ़िए, कम ज़्यादा चलेगा, रोज़ पढ़िए। छठा, शेयर एंड डिस्कस। सातवां, सीरियस रीडिंग अगर है तो सोने से जस्ट पहले मत करिए। आठवां, डोंट रीड द बुक टू फिनिश द बुक। अगर किताब अच्छी है तो कंटिन्यू करिए, अगर किताब बीच में आपको लग रहा है ये उतनी अच्छी नहीं है तो फिर आप उन्हें छोड़ सकते हैं किसी और दिन के लिए और नई किताब पिकअप करिए। नौवां, अगर कुछ रिपीटेड कॉन्टेंट लग रहा है, रिपीटेड पेज, चैप्टर या पैराग्राफ, तो उसको स्किम कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। और दसवां, मैंने आपको 4:1 का फॉर्मूला बता दिया है जिससे आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सो हियर आर 10 पॉइंट्स। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ताकि आपको इस गिव अवे का प्राइज जरूर मिले।